मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेहर मदर, जिन्होंने दुल्हन की तरह इख्तियार होकर अपनी शादी की 20 साल सालगिरह मनाई और इनका शादी का शोर रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 20 साल बाद भी प्यार जिंदा है। हम दूल्हा दुल्हन बहुत पसीने में हमने शूट किया। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे एक मौका मिला था एक और दफा दुल्हन बनने का। लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। मुझे बताएं, आपने अपनी शादी की सालगिरह 20 साल बाद क्यों मनाई और फिर दुल्हन की तरह तैयार हो गए? एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरी अपनी शादी हुई थी, मैं बहुत ही यानी मैं अभी 20 साल की हुई थी और क्योंकि लव मैरिज थी तो थोड़ी जल्दबाजी में जो है हमारी शादी हुई थी, तो ये था कि मैं अपनी मर्जी का लहंगा, अपनी मर्जी का मेकअप कुछ भी नहीं करवा सकी थी। तो वो एक दिल में था कहीं पर, यू नो, कि मुझे ये शादी मेरे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन खुश थी कि लव मैरिज थी, अपना पसंदीदा शौहर मिल गया था मुझे। लेकिन फिर अभी मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं तो मुझे था कि इस चीज़ को जो है हम लोग यू नो एक सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उन्हीं दिनों में मुझे एक फोटोग्राफर, मेरी एक अच्छी दोस्त भी हैं निदा अली, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप जो हैं एक शूट करें, और उन्होंने मुझे बोला कि लेट्स डू अ ब्राइडल शूट। तो मैं शुरू में तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 साल पाकिस्तानी आवाम तो बहुत ही कमेंट करती है, तो मुझे थोड़ा सा दिल में था कि शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर विद टाइम मुझे समझ में आया कि कर लूँ तो एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और दूसरा एक जो मलाल था कि कभी शादी अपने हिसाब से नहीं सेलिब्रेट की थी वो हो जाएगा। तो फिर जब ये शूट हुआ तो लोगों को इतना पसंद आया कि यू नो 20 साल बाद भी प्यार जिंदा है, इस तरह का उनको एक दिल में काफ़ी, आप अगर कमेंट्स पढ़े तो सबने यही लिखा हुआ है कि ये बताइएगा कि आपको आइडिया आया, फिर आइडिया पाए तकमील तक कैसे पहुंचा, आपके हस्बैंड कैसे माने? हस्बैंड पहले तो बहुत सोशल मीडिया बहुत शाय हैं, बहुत ज़्यादा शाय हैं, तो शुरू शुरू में जब मैं इन्फ्लुएंसिंग करती थी वो वीडियोस में आना पसंद नहीं करते थे। लिटरली हमारी तो अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन अब जब से वो देख रहे हैं कि काम अच्छा चल रहा है, मुझे काफ़ी ऑफर्स आती हैं और काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं काम के लिए, काम के सिलसिले से, तो वो बहुत ज़्यादा फिर उनको समझ में आया, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बताई हुई राय को एक्सेप्ट करते हैं। तो तब जाके जब ये शूट का ऑफर आया तो वो एक दफ़ा में मान गए, यानी मुझे उनको कन्वेंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वो बड़े खुश थे कि नहीं नहीं मैं करूँगा, बल्कि वे बाल भी ब्लो ड्राई करके आए थे और तैयार हुए थे दूल्हे की तरह, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। ये फ़ोटोशूट कहाँ पर हुआ था और ये किसका आइडिया था? ये फ़ोटोशूट बेसिकली हुआ था इस्लामाबाद में अराउंड गुलबर्ग के एरिया में, और आउटडोर हुआ था सख्त गर्मियों के मौसम में। हम दूल्हा दुल्हन बहुत पसीने में हमने शूट किया, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट मैं निदा अली को दूंगी, शी इज़ अ फोटोग्राफर, शी इज़ अ गुड फ्रेंड इज़ वेल, और पूरा का पूरा आइडिया उनका था और उन्हीं ने सारा सेटअप वगैरह सब उनका ही चूज़ किया हुआ था। 20 साल बाद आप दोबारा दुल्हन बन गई, कैसा महसूस कर रही? मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, लोगों को लग रहा था कि मैं कोई नई दुल्हन हूँ, कोई मान ही नहीं रहा था कि 20 साल की दुल्हन है, और जबकि मैं उनको बता रही थी नहीं ये मेरी 20वीं सालगिरह की शूट है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे एक मौका मिला था एक और दफ़ा दुल्हन बनने का, तो मैं तो बहुत खुश थी, ओवर द मून। आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी एक 18 साल की बेटी है, फिर एक 16 साल का बेटा है, फिर एक 11 साल का बेटा है और एक 8 साल की बेटी है, 2 बेटे 2 बेटी। तो जब आपने 20 साल बाद अपनी शादी मनाई तो उनका क्या कहना था, वो किस तरह? वो मेरे बच्चे बहुत बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे यानी कि जब भी मैं कुछ भी वीडियोस बनाऊँ कुछ भी करूँ तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं और बहुत अप्लॉड करते हैं, यानी कि कहते हैं मामा बहुत अच्छा लग रहा है आपका शूट भी, आपकी जो भी मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, और सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये शूट कितने घंटे का? सलोन के अंदर तो हमें 3-4 घंटे लग गए थे, लेकिन अदरवाइज जो ये बाहर का शूट था 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो गया था हमारा शूट। तो मुझे बताएं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके जो हस्बैंड है वो तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, फिर लोग उनको भी ज़्यादा फॉलो करते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना उनकी बड़ी कैंडिड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लोगों को लगता है वो बहुत सीरियस हैं, बात नहीं करते हैं, मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप इनसे बात करवाया करें, आप इनको कभी हंसते हुए वीडियो बना के भेजा करें, तो आई थिंक उसी चीज़ से फेमस हो गए हैं कि लोग इनको ना अब सीरियस एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन टाइप यू नो लुक से कंपेयर करते हैं और पसंद करते हैं, कुछ लोगों को ये वाइब ये पर्सनैलिटी पसंद आती है। तो आपको उनकी क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? मुझे उनकी केयरिंग नेचर, उनके अंदर इस कदर केयरिंग उनका नेचर है, मतलब हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं वो, हर लिहाज से, यानी एक हस्बैंड में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ उनमें है माशाल्लाह, लेकिन एक जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा करते हैं यानी
दिल थे आशिक टाइप नहीं होते जो जो का मतलब बोलो भी नहीं तो वो कर देंगे आपके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर। और आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी, मुंह से बात निकलती नहीं है और बात पूरी हो जाती है। तो आपकी ये फोटो शूट की रील कितने मिलियंस में चलेगी? मुझे लगता है फिलहाल जब मैंने लास्ट चेक किया था 2.7 मिलियन अभी तक तो है, अब आगे अल्लाह जाने कितने हो गए हैं, आप लोग चेक करके बताएं मुझे। तो आपको आइडिया था कि इतनी वायरल हो जाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी वायरल होगी, लेकिन अभी माशाल्लाह जब फैसल के साथ जितनी भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाई हैं वो 1 मिलियन 6 मिलियन तक भी गई है माशाल्लाह। एक हमारी वीडियो 6 मिलियन पे भी गई है। आप 40 साल के होकर भी इतनी यंग है, आपका डेली लाइफ स्टाइल क्या है? मेरा लाइफ स्टाइल इज वेरी वेरी बिजी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती हूँ, मैं अपने आप को पारिग नहीं रखती। मेरा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर। सेकंड मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं अपने कपड़ों का भी काम ही जो मैंने पहना हुआ है मेरी डिज़ाइन है, मैं फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है, अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रही हूँ, यानी मैं अपने आप को फारिग नहीं छोड़ती। और मेरा एक होम बिजनेस है प्रोटीन स्नैक्स का, जिसमें मैं हेल्दी डिजर्ट्स बना के लोगों को सेल करती हूँ। तो यानी कि मैंने हर तरह से अपना काम जो है ना, हर अपने आप को बिजी रखा हुआ है। तो मुझे लगता है एक औरत का बिजी होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तो खाली दिमाग जो है शैतान का घर बन जाता है। तो इतने काम करके आप अपने बच्चों को कैसे टाइम देती हैं और फिर अपने हस्बैंड को? मैं हमेशा सबको, मुझे ना ऑफर्स आती हैं जॉब्स की, तो मैं कहती हूँ मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपना हर काम अपने बच्चों के साथ बैठ के करना है। तो पढ़ाई भी कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेक श्योर करती हूँ मेरे बच्चे मेरे आसपास बैठे हुए हों, और मैं फिर जहाँ मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है मैं सब छोड़ के बच्चों से बैठ के उनसे बातें करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना। और जब बच्चों का टाइम होता है जैसे सुबह स्कूल गए हुए होते, तो उस वक्त मैं अपने ऑनलाइन सारे काम कर लेती हूँ, अपने सोशल मीडिया के सारे काम कर लेती हूँ, और फिर जब वो घर आते हैं फिर मेरा टाइम उनके साथ होता है। उसके बाद पूरी तरह से मैं उनको टाइम देती हूँ, और फिर जब उसके बाद उनका कुरान क्लास और ट्यूशंस वगैरह चल रही होती तब फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मैं डिवाइड करती हूँ, बच्चों को हर वक्त भी पेरेंट्स सर के ऊपर नहीं चाहिए, तो डिवाइड एंड रूल, यानी कि बच्चों को थोड़ा डिवाइडेड रखें, फिर थोड़ा सा उनके साथ काम करें और फिर इंटरेक्ट करें, और फिर उसके साथ फिर मैं अपना काम साथ साथ चलता रहता, जहाँ मुझे अपने लिए टाइम मिलता है मैं अपना काम करती हूँ।